गुड मॉर्निंग दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको investing.com पर कैसे मल्टीपल चार्ट्स लगाते हैं, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स को कैसे उस पर सेट करेंगे, या डिफरेंट स्टॉक्स को कैसे एक ही स्क्रीन पे आप चार डिफरेंट स्टॉक या आठ डिफरेंट स्टॉक्स देख सकते हैं, या एक ही स्टॉक पे अलग अलग टाइम फ्रेम पे चार पांच अलग इंडिकेटर लगा सकते हैं, इसकी जानकारी दूंगा। कैसे उनमें इंडिकेटर्स लगाएंगे मल्टीपल चार्ट्स में, कैसे उनमें टाइम फ्रेम चेंज करेंगे, कैसे उनमें स्टॉक्स चेंज करेंगे, इसके बारे में यह वीडियो होगी दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, चलते हैं investing.com पर। ये मैं investing.com खोल रहा हूँ, तो ये देखिए आ गया investing.com। इसके बाद मैं इसमें जाऊँगा निफ्टी 50, सपोज़ निफ्टी 50 में मैं चाह रहा हूँ देखना, तो ये मैं चला गया निफ्टी 50 में। अब मैं इसका टेक्निकल चार्ट चूज़ करूँगा, तो ये चला गया मैं टेक्निकल चार्ट में दोस्तों। अब इसको खुलने का इंतज़ार करते हैं। ये मैंने इसको इनलार्ज कर दिया, इसमें मैंने ये वॉल्यूम हटा दिया, इसको मैंने कैंडल स्टिक कर दिया, ठीक है दोस्तों। ये वन डे का चार्ट है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये सिलेक्ट लेआउट पे जाके सपोज़ मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ये दो बॉक्स बने हुए हैं, यहाँ पे दो हैं, यहाँ पे भी दो हैं, यहाँ पे तीन हैं, यहाँ पे तीन हैं, यहाँ पे तीन हैं, यहाँ पे तीन हैं, चार हैं, इस तरह से तीन हैं, चार हैं, छः हैं, आठ हैं। तो आपको कितने चार्ट देखने हैं वो आप सिलेक्ट करें। सपोज़ मैं मुझे जो है चार चार्ट एक ही स्क्रीन पे देखने हैं, तो ये मैंने चार का सिलेक्ट किया। अब इसमें डे टाइम फ्रेम था, अगर मैं मान लो इसको वीक करना चाहता, मान लो मैं इसको मंथली करना चाहता हूँ, तो चेंज इंटरवल पे क्लिक करें और फिर यहाँ पे डे डी आ रहा है, डे यानी कि डे होता है, तो हम उसको टाइप कर देंगे एम, एम यानी कि मंथ, वन मंथ रिप्रेजेंट करेगा। तो ठीक है दोस्तों, ये मंथली हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी डे होगा, ये सब अब तीनों डे है, तो एक डे हम रहने देते हैं, तो मंथली हो गया, डेली हो गया। अब इसको हम करते हैं वीकली सपोज, तो ये चेंज इंटरवल, तो चेंज इंटरवल पे हम जाएंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे आवरली कर देते हैं, ठीक है। तो आवरली के लिए हम क्या करेंगे, एक आवर वन आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो हम टाइप करेंगे 60। ये देख सकते हैं आप, यहाँ 60 मिनट आ गया, उसके बाद दबा देंगे एंटर, तो ये क्या हो गया, मंथली डेली 60। चलिए हाँ, वीकली डालना था हमने, ठीक है। चलो इसको वीकली बना दूँ, इसको चेंज इंटरवल, ठीक है। ये डी की जगह हम टाइप करेंगे डब्लू, डब्लू रिप्रेजेंट्स वन वीक, जो कि मंडे टू फ्राइडे चलेगा आपका मार्केट, जैसे मंडे को खुलता है और फ्राइडे को लास्ट वीकेंड पे वो मतलब वो बंद हो जाता है, तो ये वीकली हो गया। तो ये देख सकते हैं आप, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा एम, यहाँ पे आपको दिखेगा डी यानी कि डे, यहाँ पे आपको दिखेगा 60 यानी कि 60 मिनट्स, और यहाँ पे आपको दिखेगा वीक। तो इस तरह से चार टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक स्टॉक या इंडेक्स में क्या हो रहा है। आप ट्रेंड देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए आप, आपको पता है कि ये भी ये मंथली है, देखिए नीचे आ रहा है, डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पे भी डाउन ट्रेंड में है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक ले रहा है। वैसे आप सिक्स आवरली चार्ट में ये अप ट्रेंड में जा रहा है, यहाँ पे भी देखिए ये डे में यहाँ तक ये डाउन ट्रेंड में था, अब ये रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से आप ट्रेंड का पता लगा सकते हैं, या बिना इंडिकेटर के आप इससे भी जज, कई लोग बिना इंडिकेटर के ट्रेडिंग करते हैं। अब अगर आपको मानना है कि इसमें आपने इंडिकेटर लगाना है, जैसे कि पहले चार्ट में, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जाऊँगा इंसर्ट इंडिकेटर में, ठीक है दोस्तों। अब जो इंडिकेटर लगाना है, सपोज़ मूविंग एवरेज मुझे लगाना है, एम ओ वी आई एन जी,
ठीक है दोस्तों, अब मूविंग एवरेज लगा दिया, ये लगाया, ये देखिए डिफ़ॉल्ट आ गया 9 का। अब मुझे जैसे हम नॉर्मल करते हैं investing.com में, अब मैं ऐसे 50 का करना चाह रहा हूँ, तो मैंने ये 50 का कर दिया दोस्तों, ठीक है, ये मूविंग एवरेज आ गया। अगर इस पे आपको मान लीजिए इंसर्ट इंडिकेटर पे जाके मान लीजिए आपको MACD लगाना है, MACD, तो आप MACD लगाइए, ये देखिए दोस्तों इसमें MACD लग गया। इसमें आपको मान लीजिए आपको इंसर्ट इंडिकेटर, इसमें आपको मान लीजिए RSI लगाना है, आप RSI लगा दीजिए, ये रहा RSI, ठीक है, तो ये RSI आ गया, देख सकते हैं दोस्तों। तो इंडिकेटर भी आप चेंज कर सकते हैं आपके मनपसंद, जो भी आपको आप लगाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और इंडिकेटर अगर पहले ही लगाया होता तो आपको चारों में वही इंडिकेटर आ जाता, जैसे कि अभी इसमें मेरे को लगाना है बोलिंजर बैंड, चलिए ये देखिए ये बोलिंजर बैंड आ गया, तो चारों में हमारा अलग अलग इंडिकेटर हो गया। अगर आप जैसे एक चार्ट में पहले डालोगे उसमें इंडिकेटर लगाओगे, तो सारों में वो तीन चार इंडिकेटर जो भी लगाओगे, दो लगाओगे तीन लगाओगे, वो भी आपके डिफरेंट टाइम फ्रेम में दिखेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे निफ्टी है, आपको यहाँ पे आप बैंक निफ्टी देखना है, तो आप क्या करोगे, चेंज सिंबल पे जाओगे, चेंज सिंबल, ओके, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा कौन सा देखना चाहता हूँ, बैंक निफ्टी, बैंक NIFTY, ये देखिए ये बैंक निफ्टी आ गया, इसको क्लिक किया, ये देखिए दोस्तों निफ्टी बैंक इंडिया, ये बैंक निफ्टी आ गया। अब मान लीजिए यहाँ पे मुझे कोई स्टॉक डालना है, तो मैं क्या करूँगा, चेंज सिंबल, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए मैं HDFC बैंक डालना चाहता हूँ, HDFC, ठीक है, ये आ गया HDFC बैंक, HDFC बैंक पे क्लिक कीजिए, तो आपको HDFC बैंक मिल गया। उसी तरह आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जाइए चेंज सिंबल कीजिए, अब यहाँ पे अभी आपको मान लीजिए रिलायंस देखना है, रिलायंस, रिलायंस आपने रिलायंस टाइप किया, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो ये आप इस तरह से देख सकते हैं। तो देखिए आपने चार आपने सीखा डिफरेंट टाइम फ्रेम कैसे लगाना है, डिफरेंट इंडिकेटर्स लगाना है कैसे, और साथ ही साथ डिफरेंट स्टॉक्स कैसे इसमें लगाने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए चेंज सिंबल, चेंज इंटरवल सिंबल का इन्फो है, ठीक है, बाकी आपको इतनी ज़रूरत नहीं है, ये मेन यही होता है, ये तीन चीज़ें होती है, इसको आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। और जैसे कि अभी मैं इसको वापस दोबारा मैं इसको सिंगल कर देता हूँ, मान लीजिए ये कर दिया मैंने, अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे जाना है मान लो 8, ये 6 में जाना है, ठीक है, तो 6 पे मैंने क्लिक कर दिया, ये देखिए आप देख सकते हैं इसमें, या मैं इसको बंद करता हूँ, दोबारा स्टार्ट करता हूँ investing.com, ये देखिए यहाँ पे मैं जाता हूँ, अब मैं इस पर टाइप करता हूँ Nifty 50, फिर मैं इसको टेक्निकल चार्ट, फिर इसको एनलार्ज, फिर ये वॉल्यूम हटा देता हूँ, इसको कैंडलस्टिक करता हूँ, इसमें मान लीजिए मैं इंडिकेटर लगाता हूँ मूविंग एवरेज, ये पहले से लगाता हूँ, एक मूविंग एवरेज, ये मैंने मूविंग एवरेज लगा दिया, ठीक है, इसके बाद मैं लगाता हूँ RSI, ठीक है, इसके बाद मैं लगाता हूँ MACD, ठीक है, ये मैंने तीन इंडिकेटर लगा लिए, इसकी मैं सेटिंग मान लो ये मेरा सेटअप है, तो इसकी मैं सेटिंग जैसे कि 50 का मूविंग एवरेज, ठीक है दोस्तों, तो
इसको मैं डार्क कर दिया। फिर मैं RSI पे आया, RSI को मैंने थोड़ी अपनी सेटिंग करी और इसको भी मैंने ये बना दिया, और ताकि थोड़ा बेहतर दिखे। ये MACD भी मैंने डार्क कर दिया ताकि नज़र आए। तो ये हो गया दोस्तों अब मेरा निफ्टी 50 का चार्ट। अब मैं क्या करूँगा, अगर मुझे 6 चीज़ देखनी है, 6 लेआउट, 6 स्टॉक्स देखनी है, 6 टाइम फ्रेम में देखना है, तो मैं 6 को क्लिक करूँगा। देखिए दोस्त, अब आपको ये देखिए यहाँ पे MACD भी आ गया, 6 के 8 है सॉरी। अब देखिए ये तीनों इंडिकेटर जो मैंने एक में लगाए थे सब में आ गए। आप इसको, लेकिन ये थोड़ा सा बहुत ही छोटा हो रहा है, तो इसको लगा सकते हैं, या आप इसको आप समझिए इसको मैं 6 कर देता हूँ जैसे ये। तो इसमें आप देख सकते हैं, आप जैसे इसमें मैं ये जो है डेली है, ठीक है, इसको मैं करता हूँ टाइम इंटरवल, इसको करता हूँ मंथली, ठीक है, ये मैंने मंथली कर दिया। इसको मैं करता हूँ वीकली, सॉरी एक मिनट दोस्तों, इन इंटरवल, अब इसमें करता हूँ वीकली, वीकली कर दिया, तो पल पल की खबर आपको मिलती रहेगी। अब देखिए इसको, अब इसको करता हूँ मैं, इसको करता हूँ मैं, मान लीजिए ये देखो 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स करता हूँ, ठीक है, ये देखिए 120। फिर इसको मैं करता हूँ, बहुत छोटा होने की वजह से ये सारा जो है एक दूसरे पे, पर आप देख सकते हैं, मतलब मैं ये दिखाने के लिए कर रहा हूँ आपको। अब इस पे मान लो आप करते हैं 60 मिनट्स यानी कि आवरली, पहले वाला 2 आवरली था, ये 60 हो गया। अब इसको करते हैं आप 30, ये 30 हो गया, और इसको करते हो आप मान लीजिए 15 मिनट, ये आपने 15 मिनट कर लिए। अब आप देख रहे हो, देखिए यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है, 50 के मूविंग एवरेज के नीचे ये आ गया, देख रहे हो, यानी कि ये स्टॉक अब नीचे जाएगा। यहाँ पे ये क्या कहते हैं, वीकली में भी नीचे गया, यहाँ पे ये वीकली, अच्छा डेली हमने नहीं डाला, चलिए कोई बात नहीं, मतलब मैंने दिखाने के लिए बताया। ये 2 आवरली है, इसमें ऊपर है, आवरली में नीचे आ रहा है और 15 मिनट्स में नीचे आ गया, तो यानी कि ये निफ्टी अभी हाल फिलहाल जो है आपका नीचे ही है। आप देख सकते हैं ये देखो जीरो लाइन के नीचे है, यहाँ पे MACD ऊपर है, यहाँ पे नीचे है, ये देखिए क्रॉसओवर दिया हुआ है बैंक का, ऊपर से यहाँ पे भी क्रॉसओवर है, यहाँ पे भी क्रॉसओवर है, यानी कि ये बेरिश है, अभी हाल फिलहाल निफ्टी बेरिश है, ये दर्शाता है, केवल यहीं पर हमें एक इंडिकेशन मिल रहा। तो दोस्तों इस तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं स्टॉक को, इंडेक्स को, और इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, या चाहे तो आप इसमें ये चेंज कर सकते हैं, चेंज सिंबल करके आप डालिए इसको। देखिए अगर मैं इसको बैंक निफ्टी डाल देता हूँ, बैंक निफ्टी भाई, देखिए ये बैंक निफ्टी हो गया, देखिए ये निफ्टी था, बैंक निफ्टी हो गया। आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे HDFC, रिलायंस, TCS कुछ भी डाल सकते हैं आपको, तो मल्टीपल एक ही टाइम में आप सारा एक ही व्यू में आप सारा स्टॉक्स पे अपने नज़र रख सकते हैं, इसका फ़ायदा ये है दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, कि किस तरह से मल्टीपल टाइम फ्रेम, मल्टीपल सिंबल, मल्टीपल
इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हो आप investing.com का। ये बहुत ही बढ़िया फीचर है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इस जानकारी के साथ वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। और साथ ही साथ मेरे वीडियोस को लाइक करें, उन पर कमेंट करें और अपने दोस्तों पे शेयर करें। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।